दस साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार का डेकोरेशन इन ऑल है जो है लास्ट 10 ईयर्स में द बेस्ट वन टू। इस बार उत्तरांचल सरकार ने जो डिज़ाइन किया है हमारे स्टॉल्स का, पहले हमको कुछ शिकायत रहती थी कि हमारे स्टॉल फ्रंट और बैक दो रूप में देखे जाते थे, लेकिन इस बार जो डिज़ाइन किया है वो इतना अच्छा है कि हर आदमी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं फ्रंट में ही हूँ। पार्टिसिपेट होने से तो काफ़ी हम लोगों को तो काफ़ी प्रोत्साहन मिला है एक साथ होने का, और काफ़ी एकजुट होंगे हम लोग पहाड़ के से, और नया एक दिशा मिली है पहाड़ के लिए। सरकार की तरफ से भी देखा जाए जो प्रेजेंटेशन पहले हुआ करता था, जो डिज़ाइनिंग पहले हुआ करती थी, उससे काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड को एक बेहतर स्तर पर रख पा रहे हैं, एक बेहतर स्तर पर पेश कर पा रहे हैं सब दुनिया के सामने में। डेकोरेशन होता था वो डेकोरेशन भी चेंज हो गया है और अब और अच्छा हो गया है। उत्तराखंड इज़ ग्रोइंग एंड इसे हमारा जो प्रोजेक्शन है पूरे स्टेट का बहुत अच्छा दिखाई देता है। पहले हम लोग को केवल केरला या कश्मीर कश्मीर दिखाई देता था, राजस्थान दिखाई देता था, अब उत्तराखंड दिखाई देता है। हमारे उत्तरांचल गवर्नमेंट ने पिछले कलकत्ता की फेयर में भी और इस बार भी जो GTZ को साथ जोड़ा है उससे हमारे प्रचार प्रसार में और हमारे कार्य करने की शैली में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले से हम लोग ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, GTZ का इसमें बेहद सहयोग है, हम उनके भी आभारी हैं और उत्तरांचल गवर्नमेंट के भी आभारी हैं।